नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 1088 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री और अपेक्षित शारीरिक मापन आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.police.gov.in पर कर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों के लिए तमाम जानकारी भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रखा लक्ष्य, 10 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन का काम होगा पूरा। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 10 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इनके साथ ही आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं को भी निर्धारित तारीख तक टीका देना है। विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीएम एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाए। पहले चरण का वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जल्द पूरा करने के लिए विभाग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दिशा निर्देश भी दिए गए। राज्य के 2,20,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ICDS के निदेशक को जिम्मेवारी सौंपी है। आपको बता दें कि पहले चरण के वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 600 कर दी गई है। इन केंद्रों पर सप्ताह में 4 दिन टीका दिया जा रहा है। बिजली बिल की दर बढ़ाई जाए या नहीं, इस पर होगी जनता की सुनवाई। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए नए नए कदम उठाते रहता है। अब आयोग बिजली दर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 26 फरवरी से जन सुनवाई शुरू करने वाला है। दरअसल बिजली विभाग सूबे के 3 शहरों में जन सुनवाई करेगा। इनमें गया, मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना शामिल है। यह जन सुनवाई 26 फरवरी को गया जिले में होगी। वहीं 2 मार्च को मुजफ्फरपुर और 4 मार्च को पटना में जन सुनवाई की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आम उपभोक्ताओं व विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के संगठनों के साथ बिजली कंपनी का पक्ष सुनेंगे। इसके बाद आयोग अपना फैसला सुनाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू होगा। 4 जिलों के प्रशासन ने भेजा जमीन की सीमा में बदलाव करने का प्रस्ताव। गंगा नदी की धारा में बदलाव आने के कारण 4 जिलों में दियारा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए वैशाली, सारण, पटना और बेगूसराय जिले के डीएम ने जमीन में सीमा बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सारण और वैशाली दियारा की 2,843.71 एकड़ जमीन पटना जिले में शामिल होंगी, जबकि पटना जिले की 5,189.98 एकड़ जमीन बेगूसराय जिले को दी जाएगी। भूमि सुधार विभाग को यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सीमा क्षेत्र में बदलाव हो जाएंगे। दरअसल दियारा क्षेत्र के लोगों को नदी की धारा बदलने के कारण प्रशासन से मदद मिलने में परेशानी हो रही है। सिपाही भर्ती में ज्वाइनिंग से पहले होगा फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान। राज्य में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए ज्वाइनिंग से पहले कुछ नियम जोड़े गए हैं। सिपाही के पद को ज्वाइन करने के पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट और फोटो से चेहरे का मिलान किया जाएगा। इससे यह पुख्ता किया जाएगा कि गलत अभ्यर्थी का चुनाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पुरुष अभ्यर्थियों के फिजिकल एग्जाम के बाद अब महिला कैंडिडेट्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है। IG ने दिया पटना के सभी DSP को निर्देश, कहा जल्द निपटाए केस। राजधानी में लगातार बढ़ रही लूट और कई आपराधिक मामलों को देखते हुए पटना रेंज के IG ने सभी 11 DSP रैंक के अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र के पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अलग अलग अनुमंडलों में होने वाली गिरफ्तारियों की समीक्षा भी IG करेंगे। वहीं नालंदा जिले के 4 अनुमंडलों में नियुक्त DSP को थानेदार के साथ फील्ड में निकलकर गश्ती करने का भी आदेश दिया गया है। सभी DSP को रात्रि गश्ती व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी करनी होगी। बेहतर काम करने वाले DSP ऑफिसर को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होंगे रिकॉर्ड तोड़ परीक्षार्थी। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण के बावजूद भी रिकॉर्ड संख्या में परीक्षा देने वाले हैं। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2020 में कुल 14,94,771 छात्र छात्राओं ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, मगर इस बार कोरोना काल होने के बावजूद भी परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा गया जिले से परीक्षार्थी शामिल होंगे। गया से 83,371 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पटना से कुल 73,030 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कोरोना को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इस बार कुल 1,525 केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा केंद्र समस्तीपुर जिला में बनाए गए हैं।
18 शहरों में होगी ट्रैफिक दुरुस्त, लगाए जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल। बिहार के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने की कवायद में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके तहत नगर निगम वाले 18 बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही नगर विकास व आवास विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। राज्य के सभी नगर निगम में बढ़ती आबादी के साथ ही मुख्य चौक चौराहों पर जाम की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। ऐसे में एक शहर में 10 से 12 सिग्नल लगाए जाएंगे। साथ ही शहरों में बंद पड़े खराब ट्रैफिक सिग्नलों को भी जल्द से दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पहल की शुरुआत राज्य के पहले IG ट्रैफिक बने MR नायक ने की है। बिहार के गांव होंगे रातों में रोशन, हर 30 मीटर पर लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्टियों की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब गांव की किसी भी गली चौराहों पर रातों में अंधेरा नहीं दिखेगा। योजना में तय किया गया है कि गांव में हर 30 मीटर की दूरी पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। ये लाइट्स बिजली के खंभों पर लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर वार्ड में औसतन 10 स्ट्रीट लाइट लगेगी। इस योजना के तहत राज्य भर में कुल 10 लाख सोलर लाइट लगवाई जाएंगी, जिसकी तैयारी पंचायती राज विभाग के जिम्मे सौंपी गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां आबादी बसी है लाइट वहीं लगाई जाएंगी, जहां पर लोग नहीं हैं उन जगहों पर लाइट्स नहीं लगेंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राहुल रोशन की। राहुल रोशन एक उद्यमी हैं जो वर्तमान में एक डिजिटल मीडिया स्टार्टअप की CEO के रूप में कार्य करते हैं। एक दक्षिणपंथी समाचार पोर्टल OP इंडिया का संचालन करते हैं। पटना के रोशन अब मुंबई में रह रहे हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वराज पत्रिका में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में कार्य किया था और वर्तमान मामलों के व्यंग्य पोर्टल फेकिंग न्यूज के संस्थापक भी थे, जिन्होंने 2016 तक इसके संपादक के रूप में कार्य किया था। अब भोजपुरी में भी पढ़ सकेंगे रामचरितमानस। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले एक शिक्षक ने पवित्र रामचरितमानस ग्रंथ का अनुवाद भोजपुरी भाषा में कर दिया। दरअसल शिक्षक पीयूष मोहन ने लॉकडाउन के दौरान ही इस पूरे ग्रंथ को अपनी क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में लिख डाली थी। शिक्षक ने अपनी इस उपलब्धि को लेकर बताया कि इस पावन ग्रंथ को भोजपुरी में इसलिए लिखा ताकि जिन लोगों को सिर्फ भोजपुरी समझ में आती है वे इसे आराम से पढ़ सकते हैं। पीयूष ने खाली समय में ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया था, जो अब अपने अंतिम दौर में है। उनका मानना है कि भोजपुरी भाषा को कुछ अश्लील गानों की वजह से हे दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए भोजपुरी के प्रति सम्मान दिलाने के लिए रामचरितमानस का अनुवाद इस भाषा में कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ हुआ आदरी के संस्थापक और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर शैबाल गुप्ता का अंतिम संस्कार। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरी के संस्थापक शैबाल गुप्ता का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 2:30 बजे पटना के गुलबी घाट पर किया गया। बिहार के आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार विधानमंडल में पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने में भी डॉक्टर गुप्ता का नाम प्रमुखता से आता है। उनके निधन पर CM नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए कहा कि बिहार के कई आर्थिक सुधारों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। CM ने शोक संदेश में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए बनी कमेटी में बतौर सदस्य वे शामिल थे और बिहार का प्रतिनिधित्व भी किया था। लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई। दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस मामले में CBI कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। लालू के वकील हाई कोर्ट में आधी सजा पूरा करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दावे के समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पा रहे थे। आपको बता दें कि मामले में लालू यादव की आधी सजा 8 फरवरी को पूरी हो रही है। इस मामले में 5 फरवरी को हाई कोर्ट सुनवाई करेगी, इसलिए उनके वकील सुनवाई के दौरान ही अदालत से जमानत देने का आग्रह करेंगे। लालू यादव फिलहाल खराब सेहत को लेकर एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। सौरभ गांगुली की हुई दूसरी एंजियोप्लास्टी। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली की तबीयत इन दिनों काफी ज्यादा खराब चल रही है। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी एंजियोप्लास्टी करवाई गई थी, जिसके बाद अब उनका दूसरा एंजियोप्लास्टी हो रहा है। इतना ही नहीं, सौरभ गांगुली का हालचाल पूछने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। हालांकि ममता ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि सौरभ गांगुली अभी ठीक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दूसरी एंजियोप्लास्टी में BCCI चीफ के दिल में 2 स्टेंट लगाए गए हैं। लगभग 1 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद उन्हें बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी भी सौरभ गांगुली पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद जल्द ही दादा के स्वस्थ होने की कामना है। तांडव पर जारी विवाद से परेशान हुई शर्मिला टैगोर। हाल ही में रिलीज हुए तांडव का असल तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि अब सीरीज को लेकर जारी गतिरोध पर सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर ने भी अपना बयान जारी करते हुए अपनी चिंता जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने अपने बेटे सैफ अली खान को 2 टूक नसीहत देते हुए आने वाले समय में किसी
भी सीरीज को साइन करने से पहले स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, शर्मिला टैगोर ने माहौल को देखते हुए अपना बयान जारी करते हुए करीना की प्रेगनेंसी पर भी चिंता जताई है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि वो नहीं चाहती है कि करीना के ऐसे समय में किसी भी तरह का तनाव देखने को मिले। आपको बता दें कि करीना कपूर लगभग फरवरी में अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें रिहा कर देना चाहिए या नहीं। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। नमस्कार।